गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइबर पोलिस चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त कमल कुमार। और आज हम जानेंगे कि भीम ऐप के द्वारा आधार पेमेंट कैसे की जाती है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भीम ऐप एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है जो कि भारत सरकार ने दी है, और इसके अंदर टाइम टू टाइम नए नए चेंजेस आ रहे हैं और आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट इसमें कुछ चेंज आए हैं वो लैंग्वेज के हैं, सिम चेंज का है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज है इसके अंदर आधार पे का। वो आधार पे हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अंदर हम किसी जिसको हमने पैसे देने हैं उसका आधार पेमेंट, उसका आधार नंबर यूज़ करके पेमेंट भेज सकते हैं उसको हम। तो हम जैसे सेंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम क्लिक करेंगे उसको पेमेंट का मोड क्या करनी है हमने, आधार पे या IFSC। IFSC तो नॉर्मल पेमेंट होती है, हम अभी करते आ रहे हैं, इस बार हम ट्राई करेंगे आधार पे। बस हम उसका इसमें यहाँ आधार नंबर फीड करते हैं। मान लीजिए मुझे ये मेरे एक फ्रेंड को किसी को भेजने पैसे, वेरीफाई करेंगे इसको। बस ये वेरीफाई कर लिया उसने। यहाँ आप देखेंगे आपको नज़र आएगा कि आधार नंबर और उसके आगे लिखा है आधार नंबर एट द रेट आधार PCI। अमाउंट डालेंगे और जो हमने रिमार्क लिखना कुछ इसमें किस लिए पेमेंट कर रहे हैं लिख देंगे और यहाँ पेमेंट कर देंगे उसको हम। तो ये उससे क्या होगा कि आपने उसके अकाउंट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधे ही उसके आधार को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल तरीका मेथड है ये पेमेंट करने का। और अभी तो हम इतना नहीं इसको यूज़ में हो रहा, लेकिन इन नियर फ्यूचर में बहुत काम आएगा। तो इसलिए आप सब लोग अपने अपने आधार अपडेट कीजिए, और जो भी आपकी भीम ऐप की लेटेस्ट अपडेशन है उसको कीजिए, और आधार पेमेंट करनी सीख लीजिए। धन्यवाद।